नमस्कार मेरे पाइसेस मित्रों, स्वागत है आपका प्रोग्राम जन्म कुंडली यानी कि अनिल शर्मा सरली टीवी में। और आपका धन्यवाद करूंगा कि आप मेरा सहयोग देते रहते हैं खासतौर पे। और आपके फरवरी महीने का जो मंथली फॉरकास्ट है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले कहूंगा कि इस महीने का विशेष रोल रहेगा आपके जीवन के ऊपर, इस आने वाले वर्ष के ऊपर। तो किस तरह से आपको इसको इसमें से लाभ लेने हैं, इस बात के बारे में आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि यानी कि मीन राशि के लॉर्ड जो हैं जुपिटर, वो आठवें घर में बैठ गए हैं। तो ये कमजोर स्थिति दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये कमजोर है। लेकिन इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि आपके त्रिकोण यानी कि पंच भाव और नाइन्थ हाउस में दोनों के कारक ग्रह जो हैं, दोनों के लॉर्ड जो हैं उसी में बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके मजबूत स्तंभ बन गए हैं। तो अगर आपकी राशि का लॉर्ड कमजोर भी कहीं पड़ा है किसी घर में, तो आपको सहायता इस बार दोनों तीनों चारों तरफ से मिलने वाली दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हेल्थ के मामले में ये कहूँगा कि एक अच्छा वर्ष, एक अच्छा महीना आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में जरूर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि जुपिटर का एट्थ हाउस में आना कमजोर है, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर ना करके थोड़ा सावधानी पूर्वक चलेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मंथ आपकी सेहत के लिए साबित होगा, ऐसी मुझे बहुत सारी उम्मीद है। और उल्टा ऐसा भी लग रहा है कि कहीं कुछ बीमारियां जो है आपकी ऑनगोइंग चल रही हैं उसमें से आप बाहर भी निकलेंगे। लेकिन एक बीमारी जो है जो आपको परेशान कर सकती है वो है आपकी पैरों की तकलीफ। आपके पैरों में कोई तकलीफ है या आपका वजन बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं जरूर ध्यान देना है कि इसमें आप बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लें, तो ये इसमें ज़्यादा तकलीफ आपको हो सकती है। अब मैं रिश्तों की बात करूं, रिश्ते नाते जो भी हैं हमारे, तो मैं देखता हूं कि निश्चित तौर पे आपके कुंडली में इस समय जो स्थितियां हैं वो दिखा रही है एक्सटेंडेड फैमिली में भाग्य राइज, कहीं ना कहीं कुछ समागम की स्थिति बनती जा रही है, कुछ अच्छा होने को जा रहा है, कुछ अच्छी स्थितियाँ कहीं ना कहीं बनेंगी जिसका लाभ आपको मिलेगा, आपको सराहा जाएगा। आप उनमें जैसे कहते हैं ना कि कोई होता है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति मैं आपकी इस बार देख रहा हूँ कि लोग आपके इर्द गिर्द या आपके बारे में बातें करेंगे और अच्छी बातें करेंगे, आपको प्रेज करेंगे। परिवार में, कुटुंब में, एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। वहीं जब बहन भाइयों की बात करता हूँ तो निश्चित तौर पर देख रहा हूँ कि ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ उनके साथ आपका एक अच्छा तालमेल, जो काफ़ी दिनों से आप बिछड़े हुए हैं या दूर हैं या कैसा भी है, या उनकी कोई समाचार नहीं है, तो इस बार आपको समाचार मिलने वाला, एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक लाभ की स्थिति है। बहन भाई बड़े छोटे कोई भी हो एक अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो रिलेशनशिप की बात है यहाँ तक आपकी ठीक है। अब बात आ जाती है पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स कैसे रहेंगे, तो आपका फोर्थ हाउस जो है वो माँ के घर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं वहाँ देखता हूँ तो वहाँ की जो राशि है वो जेमिनी राशि है, वहाँ पे आ जाती है। तो जेमिनी राशि जब वहाँ पे आती है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रभाव जो है वो छोड़ती है। और जेमिनी राशि के बुध अगर आप देखेंगे तो इस समय कहाँ है, आपके लाभ स्थान में। तो लाभ स्थान में बैठा हुआ ग्रह आपको लाभ देगा, लेकिन साथ साथ उनकी हेल्थ की चिंता भी आपको रहेगी। शायद बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर या कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से हैं, लेकिन फिर भी आप उनके साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, ऐसी साथ में मुझे बहुत बड़ी उम्मीद जो है दिखाई दे रही है। संतान के मामले कहूँगा, संतान भाव में चंद्र राहु का योग संतान प्राप्ति के लिए उत्तम योग है, लेकिन साथ ही साथ आपको संतान से इस समय में दूरी भी दे सकता है। किसी कारणवश आपको कहीं दूर यात्रा के लिए जाना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। पारिवारिक यात्रा हो सकती है, काम की यात्रा हो सकती है, जिसमें कुछ दिनों का एक ऐसा हो सकता है कि आपकी उनके साथ दूरी बने, ऐसा कुछ अचानक से आ जाए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो वैसे संतान के मामले में किसी तरह की कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो संतान कारक घर में ही बैठे हुए एक अच्छी बात है। राहु थोड़ा सा वहाँ पे डिस्टर्बेंस देगा, वो शायद आपकी सेपरेशन दिखा रहा है, जो कि उनकी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए होगी, जो एक्सेप्टेबल है। तो इसकी बात की ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जो लोग एजुकेशन में, मैं कहूँगा निश्चित तौर पर एजुकेशन में आप इस बार थोड़ा कन्फ्यूज है, कुछ चीज़ें शायद आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप दूसरे समय भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है। इसको मेंटेन करने की कोशिश है, बार बार आप अगर उसकी कोशिश करेंगे जानने की तो निश्चित तौर पे आप उसमें सफलता पा लेंगे। जहाँ तक आपके बच्चों की बात है तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, उनकी ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत जो है इस बार दिखाई नहीं देती है। अब मैं बात जाऊँ कि आपके पिता की बात शायद बीच में रह गई कि पिता का क्या होगा। कारक मंगल है, आपके पिता आपके साथ रहते हैं, वो आपका बल बढ़ाएंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपको सहयोग देंगे। और अगर पिता नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग, उनके मित्र जो हैं वो आपको प्रेज करेंगे, आपको सहयोग देंगे। इसका मतलब कि पिता साइड से भी आपको पूरा सहयोग जो है इस बार मिलने वाला है। अब आपकी अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ कि आपका क्या होगा।
आपका क्या होगा। तो सेवंथ हाउस में बुध की राशि और बुध लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पे आपका भी एक अच्छा है। आपको इस वर्ष में शादियों को अटेंड करने का मौका मिलेगा। ना जाने ये शादियां इस बार, और शायद जब मैंने वर्ष की बात की थी कि यह वर्ष में जो शादी का रेशो है वो बाकी वर्षों से ज़्यादा रहने वाला है, तो इस बार शादियों के समागम बहुत होने वाले हैं। ये एक अच्छी बात है। जो लोग चिंता में थे कि यार हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, मुझे लगता है आज इस वर्ष में उनकी भी शादी हो जाएगी। और आप जैसे लोगों को यहाँ शादी करना ही नहीं, शादी अटेंड करने का अवसर भी मिलेगा। आपके नए संबंधों की स्थिति भी साथ में देख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है आप नए रिलेशनशिप में आगे जाएं और उसमें आपको एक अच्छा साथी मिले, ऐसी कामयाबी बनती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग शादीशुदा हैं निश्चित तौर पे वो एक अच्छा समय जो है वो साथ साथ लेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि संतान से सेपरेशन है, तो हो सकता है कि इस वजह से आपकी हल्की सी सेपरेशन अपने पार्टनर से भी हो, लेकिन वो एक अच्छी एक सेपरेशन होगी, कोई बुरी सेपरेशन इसको नहीं मैं मानता हूँ। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि रिलेशनशिप में स्थितियाँ जो हैं इस महीने में आपकी बहुत 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 अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ कमियाँ हैं, उसमें कोई मैलेफिक या बुरी दशा चल रही है, जिसका किसी खास घर से ग्रह से बुरा संबंध है, किसी खास रिश्ते से जो संबंध रखता है, तो उसका आपको उसके लिए आपको जन्म कुंडली दिखा के उसका निदान कर लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जन्म कुंडली की जो ये मंथली चार्ट है उसकी स्थिति निश्चित तौर पे एक बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। अब मैं बात करूं घर गाड़ी आदि का जो सुख होता है हमें चाहिए होता है, तो आपके फोर्थ हाउस में हम देखते हैं तो जेमिनी राशि जो आ जाती है, जैसे हमने पहले कहा, तो जेमिनी राशि का संबंध कहाँ है, इलेवंथ हाउस में। इलेवंथ हाउस यानी कि आपका लाभ, तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी के मसले आपके भी कुछ हल होते हुए दिखाई, और प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा गाड़ी भी बदलनी है, तो क्या हम बदल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आप गाड़ी बदल सकते हैं, गाड़ी का पूर्ण लाभ मिलेगा। और अगर आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर जैसे हम प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे इकट्ठे करने का भी है, जिससे आपका बैंक बैलेंस जो है अलग से बढ़ सकता है। बाकी तो बैंक बैलेंस हम देखते हैं कि नौकरी बिजनेस से के माध्यम से कैसा रहेगा, तो अगर हम उसकी बात करें तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि इस समय में अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लोन आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा, ऐसा इस महीने में योग जो है वो बना हुआ है, बेहतरीन योग। लेकिन साथ ही साथ वो खर्चे भी दिखा रहा है, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वो लोन जो है वो खर्चे के लिए या उसमें फिर आपको मुश्किलें भी होंगी, इसलिए अगर आप कुछ लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो महीने के शुरू में ही उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे, अगर आपने ज़्यादा देर तक रखा तो फिर मुश्किल होगी। जो लोग नौकरी चाहते हैं, मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि यह समय बेहतरीन एक अच्छी स्थिति की नौकरी, एक अच्छी नौकरी मिलने के योग आप लोगों के लिए बने हुए हैं, तो नौकरी आपको मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। और शायद एक दो तीन इंटरव्यू एक साथ आपको आ सकती हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी नौकरी आपके लिए, ये शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो बेस्ट ऑप्शन है उसी को चूज करें, यह मैं उम्मीद आपसे रखता हूँ। और साथ ही साथ जो लोग बिजनेस में हैं, भाई शनि शनि देव आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन से गुजर रहे हैं, वेरी गुड। तो हाउस ऑफ प्रोफेशन में जब शनि होगा तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि टेंथ हाउस का शनि आपके लिए और वो भी जुपिटर के साथ कनेक्शन, क्योंकि जुपिटर, तो निश्चित तौर पे जो लोग पहले से ही जॉब में हैं, मुझे लगता है कि आप करेंगे तो बहुत कुछ आपको करने को मिलेगा, लेकिन उसकी एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं कुछ कम होती चली जाएगी। शायद ये बात कहीं ना कहीं आपको पिंच भी करेगी, आप सोचेंगे यार मैं इतना कर रहा हूँ क्या बात है, कि मुझमें क्या कमी। अपने आप के ऊपर डाउट ना करें, आप अच्छा करने वाले हैं, अच्छा कर रहे हैं, और इसमें आपको लाभ मिलेगा। कुछ देर के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि किसी काम की वजह या किसी और वजह से आपको दूर जाना पड़े, तो शायद आपको कुछ समय जो है इस महीने में ऑफ भी लेना पड़े आपकी यात्रा की वजह से, तो छुट्टियां मान लीजिए कि चलो एक ब्रेक ले ली जाए। अगर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो हाँ जॉब में कुछ दिक्कतें हो, तो मैं कहूँगा कि उस समय में कुछ छुट्टियाँ अरेंज कर लेना और अपने आप को रिलैक्स मोड में ले आना भी कहीं ना कहीं कामयाब होगा। जो लोग बिजनेस में हैं और जिनके बिजनेस एक फ्रेंचाइज है देश विदेश में, उनके लिए तो यह समय निश्चित तौर पर एक बेहतरीन समय है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह जो समय आप लोगों के साथ जो इस समय बना हुआ है, इस महीने बना हुआ है, वो एक स्टेबल स्थिति को दिखा रहा है, इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, तो ये धन की स्थिति को भी बैलेंस कर रहा है। तो धन की स्थिति बैलेंस तो हो रही है, लेकिन साथ साथ ये खर्चे भी दिखा रही है, तो खर्चों को बैलेंस करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर खर्चे बैलेंस नहीं होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कई बार आपको नया कारोबार शुरू करना होता है, उसमें खर्चे हो जाते हैं, कई बार आप कामवार करके लिए बाहर जाते हैं तो उसके लिए खर्चे हो जाते हैं, आपकी सोच से ज़्यादा कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ हैं। तो यात्राएँ इस महीने में आपकी होने के, जैसे मैंने पहले कहा कि चांसेस हैं, तो इस महीने में कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी होगी। यात्राओं के ऊपर भी आपका ध्यान अचानक से बनेगा, शुभ यात्राएँ होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, खर्चे शायद उसमें आपके ज़्यादा हो जाए,
तो आपकी जरूरत से सोच से ज़्यादा हो जाए ऐसी संभावना कहीं ना कहीं बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कुल मिला के अपार्ट फ्रॉम जुपिटर की स्थिति के या राहु की स्थिति के कहीं ना कहीं स्थितियाँ बेहतरीन बनी हुई हैं और इसका लाभ आप इस महीने में लेने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा जितनी जल्दी हो कोई भी चीज़ करनी है उसको कर लें। जैसे जैसे ये महीना 12 तारीख के आगे बढ़ता चला जाएगा चीज़ों में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है कि पहले ही इन चीज़ों को आप अप्लाई कर दें, जो भी करना है उसमें आपको लाभ की स्थिति जो है वो बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, जो जानकारी दी है वो पर्याप्त होगी, आपके सवालों का जवाब होगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा अपने नए वीडियो के साथ, आपकी राशि के साथ, मार्च के महीने में। तब तक के लिए नमस्कार।